Hello kids, today's topic is article, English grammar chapter number 3. So let us know more about articles. Articles, the word a and the are called articles. The question yaha ek form hua, what is article? The word a and the are called articles. So students, क्या आप जानते हैं आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकेंड डेफिनेट आर्टिकल्स. सो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है. सो इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड द आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब ए एंड द को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. देन डेफिनेट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल्स. द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन हमारा हुआ इनडेफिनेट और द क्या हुआ डेफिनेट आर्टिकल्स हुआ. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो फर्स्ट यूजेस ऑफ ए. तो अब हम जानेंगे कि ए कहाँ यूज होता है, ए को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. सो ध्यान देंगे, ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सनेंट और अ कॉन्सनेंट साउंड. आप लोगों को पता है कॉन्सनेंट्स कितने होते हैं, 21 कॉन्सनेंट्स होते हैं. ए कहाँ लगेगा, ए कॉन्सनेंट साउंड के आगे लगेगा, हमेशा कॉन्सनेंट साउंड के आगे लगेगा. कॉन्सनेंट 21 कॉन्सनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उनके आगे ए लगेगा. सो आप लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी. सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जाम्पल. अ बॉल, अ बॉल. अ हाउस, a man. A pencil, a computer, use of an. अब हम जानेंगे कि an कहाँ यूज होता है. हमने a का जाना यूज, अब हम an के यूज के बारे में जानेंगे. An is used before singular noun that begin with a vowel or a vowel sound. तो हमारे English alphabet में vowels कितने हैं? 5. कौन कौन से हैं बच्चों? A, E, I, O, U. 5 vowels हैं और vowels के आगे हम an use करेंगे. ठीक है? तो इसको और अच्छी तरीके से बताने के लिए हम लोग examples से proceed करेंगे. तो let us proceed with examples. An apple. तो एप्पल का ए जो है वो क्या है, वॉवल है. उसके आगे क्या लगा, एन. एन ऑरेंज, ओ क्या है, वॉवल है. उसके आगे क्या लगा, एन. एन इग्लो, आई क्या है हमारा, वॉवल है. उसके आगे एन लगा. एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम. Use of the. अब हम the के use के बारे में जानेंगे. तो चलिए देखते हैं. We use the before a noun when we talk about a particular person or thing. हम the कब use करते हैं, जब हम किसी भी एक specific person के बारे में, particularly किसी एक person के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके आगे हम the use करते हैं. Okay kids, the हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी थिंग के बारे में जब बात करते हैं तो उसके आगे हम द यूज करते हैं. इसके बारे में और जानने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. लेट अस प्रोसीड विद एग्जाम्पल. लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज राउंड. अर्थ क्या है, राउंड इन शेप है. अर्थ क्या है, पर्टिकुलर. द सन इज हॉट. सन क्या है, हॉट है. द माउंटेन्स, द माउंटेन. तो हमने क्या पढ़ा किड्स, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स.
जनरल थिंग स्पेसिफिक थिंग वी यूज ए और एन इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड वी यूज द इन डेफिनेट आर्टिकल्स सो नाउ विल प्रोसीड विद अ वर्कशीट लेट अस प्रोसीड विद अ वर्कशीट तो ये वर्कशीट मैं आपको बताऊंगी नहीं ये आपको खुद से करना है अपने कॉपीज में बस मैं आपके लिए रीड करूंगी तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन द फर्स्ट क्वेश्चन है पारुल इज डैश बुक फुल स्टॉप सेकेंड क्वेश्चन है सन इज हॉट थर्ड है आई हैव डैश ग्रीन शर्ट जैक has dash old by I eat dash apple daily. Question number 2. What is article? Question number 3. How many articles are there? तो ये सब questions के answer आप अपनी copy में लिखेंगे kids. Thank you.